बच्चों लोग, आज से क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा हूँ, ये आपको डीपली समझने का जरूरत नहीं है, इसका बस हल्का फुल्का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको जानना है। ठीक है, तो इसमें चूंकि इस वेव इक्वेशन में हायर मैथमेटिक्स का यूज है, तो यहाँ पे जो भी मैं मैथमेटिकली बात करने वाला हूँ उसको आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको नहीं आने वाला है, तो बस आपको समझना है कि आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मे भी अभी आपके लेवल में आपको समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो होता है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड पूछा जाएगा आपसे, यानी क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ना बोला क्या गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन आपके स्पेस में कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लाउड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर थ्योरी में जो क्लाउड का जो जो एक अरेंजमेंट होगा उसके लिए एक मैथमेटिकल हम इक्वेशन दे सकते हैं क्या? जैसे मान ले कि अगर कोई आपका 2D फिगर में अगर आपको कोई लाइन ऐसे 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 चलता है, ऐसे कोई लाइन चल रहा है, तो इस लाइन का अपने इक्वेशन होता है, इसको आप साइन थीटा बोल सकते हैं। वाई को तो क्या हो, साइन थीटा, और उपाय वाई ऊपर होगा नीचे थीटा हो, तब इससे लिखते लिखते हो वाई इक्वल टू साइन थीटा लिखते हो, वाई इक्वल टू आप साइन थीटा आप लिखते हो। ठीक है, तो वाई ग्लोब जब साइन थीटा लिखोगे तो इसका मतलब इस कर्व को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये कर्व को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो फंक्शन है वो 3D में फैला हुआ है, वो 3D में फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर 3D में फैला हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि 3D में जो फैला हुआ है उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई बेसिकली एक वे इस इलेक्ट्रॉन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका होता है, ये होता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D। डी जो होगा इसको कैपिटल कर दो, 3D है, तो 3D में रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका होता है। ठीक है, अब जाना इस वेव फंक्शन को अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला गया, पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हम एक्स वाई जेड में अगर पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा जिसको बोला गया है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बेसिकली क्या है, डबल डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोग इसको अभी तक सॉल्व करना सीखे नहीं हो, तो डबल डिग्री का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बस हमको समझना है कि इक्वेशन बताता है क्या, बस इसको हमको सॉल्व करना भी नहीं है। ठीक है, इक्वेशन में ध्यान देना, इक्वेशन में यहाँ पे एम जो है, एम बताता है ये है मास ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल में अप्लाई करने वाले उसका मास है। यहाँ पे एच है प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये जो साई है, साई बेसिकली क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का। अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा फंक्शन हो तो एम क्या होगा, एम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ई जो है यहाँ पे कैपिटल ई है, कैपिटल ई बेसिकली टोटल एनर्जी, जिस पार्टिकल पे हम अप्लाई करने वाले हैं उसका टोटल एनर्जी ये है। और जो वी है उसका पोटेंशियल एनर्जी, वी क्या है उसका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम 1D में अप्लाई करते हैं, तो 3D का 3D में है इक्वेशन, इसको 1 डायमेंशन में अगर हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, अपन जो वाई और जेड का टर्म हटा देंगे, वाई जेड का टर्म हटा दिए, तो ये 1 डायमेंशन में इक्वेशन ऐसा होगा। ठीक है, अब ध्यान ना इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को ऐसा लिखा गया, ई ई मतलब टोटल एनर्जी इंटू साई इक्वल टू क्या हो, एच कैप इंटू साई, यानी पूरे इक्वेशन को छोटे फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, जो एच कैप है, एच कैप बेसिकली आप इसको लिख सकते हो d2/dx² प्लस d2/dy², ऐसे जो जो पूरा टर्म है उसको एच कैप से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई है, ई होता है टोटल एनर्जी, ई होता है टोटल एनर्जी, और एच कैप को बोला गया, एच कैप होता है बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच कैप को बोला गया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो कभी कभी जहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एच कैप का डायमेंशन क्या होगा, तो गौर करना
एच कप का डायमेंशन कैसे बताएंगे हम लोग? तो यहाँ देखोगे दोनों साइड सही है, दोनों साइड सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, तो दोनों का सही का डायमेंशन कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पे एच कप का डायमेंशन जो होगा एनर्जी के बराबर होगा। तो एच कप इज इक्वल टू एनर्जी, एच कप इज इक्वल टू एनर्जी, एच कप एनर्जी के इक्वलेंट होगा, एच कैप एनर्जी के इक्वलेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। बताओ ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करेंगे, जो कि हमको करना नहीं है, जो कि हम हमारे लेवल पे करना नहीं होता है, इस डिफरेंशियल को सॉल्व करने पे हमको साई मिल जाएगा, साई मतलब हमको वेव फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब बताओ ना जो भी हमको वेव फंक्शन मिलेगा तो उसमें से सारा वैल्यूज का एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सारा वैल्यू का एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसमें कुछ ही वैल्यू को हम एक्सेप्ट करता है, तो जो एक्सेप्टेबल फंक्शन होगा प्रॉपर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यू यानी उस फंक्शन का एक ही वैल्यू आना चाहिए, एंड बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। यानी यहां से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जो हमारे काम का होगा, जो मेरे एक्सेप्टेबल होगा, क्या होगा वो? तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, सिंगल वैल्यू होगा, एंड बाउंडेड होगा, बाउंडेड मतलब उसका वैल्यू इनफाइनिटी होना चाहिए, सो वैल्यू इनफाइनिटी होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान ना जहां से आपको फंक्शन मिलने वाला है, तो अगर मान लेते हैं कि 3D का फंक्शन है, 3D का फंक्शन क्या होता है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, तो 3D का फंक्शन आपके एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन होता है, इस फंक्शन को आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान ले कि मेरे पास ऐसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, एक फंक्शन है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई अलग कर दिए, यानी ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन जो है ये आपके एक्स वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा था, इस फंक्शन को हम ब्रेक कर दिए, फंक्शन जी का फंक्शन जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और ये फंक्शन जो हम ब्रेक कर दिए एच का, जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है सिर्फ वाई पे, तो यानी हम इस फंक्शन को दो अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। वही हम मैं बोल रहा हूँ कि जो पूरा वो साई फंक्शन है जो एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर, उसको हम तीन तीन फंक्शन में सेपरेट कर सकते हैं, यानी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ जेड, सो तीन अलग पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ तीन अलग पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ जेड, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान आप। सिमिलरली ना ये तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होता है, तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर जिससे कार्टेशियन फॉर्मेट में हम लोग एक्स वाई जेड से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम आर थीटा फाइव यूज करते हैं, आर थीटा एंड फाइव यूज करते हैं। अभी आर थीटा फाइव क्या होता है, इसको ज्यादा ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप ध्यान देना कि हम एक्स वाई जेड के बदले हम आर थीटा फाइव यूज करते हैं, यानी आर मतलब पोजीशन वेक्टर, थीटा एंड फाइव क्या है, एंगल है, ठीक है, एंगल है, ठीक। तो बोला क्या गया है कि इस पूरे फंक्शन को जो होता है एक्स वाई जेड है, उस फंक्शन को हम पोलर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं आर थीटा फाइव के टर्म में। अब इस आर थीटा फाइव के टर्म को हम उसको हम ब्रेक कर सकते हैं अलग पार्ट में, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं आर का फंक्शन में, थीटा का फंक्शन में, और फाइव का फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो जो आर का फंक्शन निकल के आता है ना, उसको बोला गया है, उसको बोला गया है रेडियल फंक्शन, उसको बोला गया है रेडियल फंक्शन, ठीक। जो थीटा का फंक्शन होता है उसको बोला गया है जेनिथ इक्वेशन, क्या बोला गया है, जेनिथ इक्वेशन, ठीक। और जो आपका फाइव का फंक्शन होता है उसको बोला गया है अजीमुथल फंक्शन, ध्यान ना। हम लोग को इंटरेस्ट क्या है, ध्यान सुनना, जब भी कोई फंक्शन होता है ना एंट्रोन का साई, उसके आगे यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ पे एन होगा, एल होगा, एम एल होगा, यानी जब भी हम कोई साई लिखते हैं तो उसके आगे तीन वर्ड होगा, ऐसा ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पे 3 2 1, इसका मतलब होगा हम ये जो साइन लिखा गया है, थ्री मतलब ए, ए बता रहा है एन के बारे में, टू मतलब एल, और वन मतलब एम एल, यानी
हम जो सही दिए हैं वो बता रहा है 3D का जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, यानी साई यानी वेव फंक्शन के आगे अगर आपका 3 वर्ड लिखा रहेगा ना, 3 नंबर लिखा रहेगा, तो पहला नंबर बताता है एन को, सेकंड नंबर बताएगा आपके बारे आपको एल के बारे में, और थर्ड बताता है एमएल के बारे में, ठीक है। यानी अगर 3 to 1 का मतलब है कि हम 3D के इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हम 3 नंबर यूज करना है तो एन एल एम एल के फॉर्म में वो रहेगा। पास में आ रहा है यस सर। सिविल, हाँ बोलेंगे बच्चा, कोई तो दिक्कत आ रही है, नहीं सर। ठीक है। ध्यान सुनना, जब रेडियल फंक्शन है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दोनों जो थीटा और फाई का फंक्शन है उसको कंबाइन करके वहां पे उसको सिंगल फंक्शन में लेके आया गया है, उसको हम बोलते हैं उसका इसको तो हम बोले कि थीटा एंड फाई का फंक्शन को कंबाइन कर दिए, इसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शन, इसको बोलते हम लोग एंगुलर फंक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास आपका जो साई है उसका उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक होता है रेडियल तो बस डिपेंड करता है आर पे, और एक होता है एंगुलर जो डिपेंड करता है आपके थीटा एंड फाई पे। बात समझ में आ रहा है, यानी जो फंक्शन है आर थीटा फाई वाला उसको ब्रेक कर दिए हैं रेडियल फंक्शन में एंड एंगुलर फंक्शन में। ध्यान ना, आपको पता है कि जो पूरा फंक्शन है डिपेंड करता है किस पे, एन पे एल पे एम एल पे, तो बताओ आज कि जो जो रेडियल फंक्शन है वो डिपेंड करता है एन पे एल पे डिपेंड करता है, जो एंगुलर फंक्शन है वो डिपेंड करता है बस एल और एम एल पे, वो डिपेंड करता है ओके एल एन एम एल पे, उसको एन से मतलब नहीं है। तो रेडियल फंक्शन को एन से मतलब है और एंगुलर फंक्शन को एन से मतलब नहीं है। सिमिलरली एंगुलर फंक्शन में एम एल रहेगा, रेडियल फंक्शन में एम एल नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स है जिसको आपको फोकस करना है, ठीक है। अब ध्यान ना, ये रहा हम लोग का पूरा फंक्शन। अब ध्यान ना, आपका जो साई होता है ना, साई मतलब एक वेव फंक्शन होता है, इसका मतलब नेगेटिव 0 पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वेव फंक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 किसी को वैल्यू को अक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान ना, इस साई का ऐसा कोई मतलब तो होता नहीं है, बट अगर हम साई का स्क्वायर कर दें, ठीक है, साई का हम स्क्वायर कर दें तो साई स्क्वायर का अपने एक मतलब होता है। तो साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो साई स्क्वायर मतलब ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, यानी स्पेस में आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना है आपको बताएगा। तो साई स्क्वायर का मतलब इसके क्या होता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, ठीक है। और ध्यान सुनना, तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी पता करना है कि किसी इलेक्ट्रॉन का, तो हम क्या करेंगे उस फंक्शन को, अगर मान लें कि यहाँ पे स्पेस है, छोटा स्पेस है, इसका वॉल्यूम डीवी है, इसका वॉल्यूम डीवी है, तो यहाँ का जो साई स्क्वायर का वैल्यू है उसको हम डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साई स्क्वायर डीवी का जो वैल्यू है ये हमको इस छोटे से स्पेस का में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, इलेक्ट्रॉन के होने का या नहीं होने का प्रोबेबिलिटी में बताएगा, ठीक है। तो ये साइज को डिवी करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये छोटे स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको बताएगा, ठीक है। और अगर हमको किसी बड़े से स्पेस में पता करना है कि प्रोबेबिलिटी कितना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, तो हम क्या करेंगे, अब जो साइज का डिवी जो है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे उस पूरे वॉल्यूम में उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरे को मिल जाएगा उस बड़े वॉल्यूम में आपका इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी कितना पाए जाने का, ठीक। अब ध्यान ना, जिस जिस पॉइंट पे जहां जहां पे आपका साई 0 होगा, जहां जहां पे आपका साई 0 होगा वहां पे साइज पर भी 0 होगा, और साइज को 0 का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है 0 हो जाएगा। अगर साइज पर 0 हो जाए तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नोड, उसको बोला गया पॉइंट ऑफ नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा उसको बोला गया नोड, ठीक है। तो अब ध्यान ना, चूंकि आपका जो साई फंक्शन है वो 2 पे डिपेंड करता है, एक रेडियल फंक्शन में डिपेंड करता है और एक एंगुलर फंक्शन में डिपेंड करता है। आपका साई 0 कब कब होगा, तो जब आपका आर 0 होगा, जब आर 0 होगा तो भी साई 0 हो सकता है, या जब आपका
एंगुलर फंक्शन जीरो हो तो भी क्या होगा, तो भी आपका आर साई जीरो हो सकता है। तो साई के जीरो होने का दो तरीका है, या तो आपका रेडियल फंक्शन जीरो हो जाए या तो आपका एंगुलर फंक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। तो या तो रेडियल फंक्शन जीरो हो जाएगा तो भी आपका साई जीरो हो जाएगा, तो यानी उस टाइम पर आपको नोड मिलेगा। तो जब रेडियल फंक्शन जीरो होता है उस टाइम पर नोड को हम बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। और जब आपका ए जीरो हो जाए, यानी जब आपका एंगुलर फंक्शन जीरो हो जाए, उस टाइम पर नोड को हम बोलते हैं एंगुलर नोड। यानी आपके वेव फंक्शन के जीरो होने का दो तरीका है, या तो उसका आपका रेडियल रेडियल फंक्शन जीरो हो जाए या तो एंगुलर फंक्शन जीरो हो जाए। तो अगर रेडियल फंक्शन जीरो होगा तो उस टाइम पर जो नोड होता है उसको बोलते हैं हम रेडियल नोड, और उसके बाद वाला के नोड को बोलते हैं हम लोग एंगुलर नोड, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने के लिए हम लोग क्या बोले हैं, तो इसलिए फॉर्मूला दिया गया था नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस एल माइनस वन होता है, एन माइनस एल माइनस वन होता है। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकालने का तरीका होता है एल, क्या होता है एल, तो एल इज द नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ठीक है, एल इज द नंबर ऑफ एंगुलर नोड। तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, तो ऑर्बिटल में पता करके आपको उसका एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकालना आपको आना चाहिए। तो 1s, 2s, 3s, 4s, यानी 5s, किसी भी s और सबसेल का यानी s ऑर्बिट का जो ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका एंगुलर नोड हमेशा जीरो होता है, क्योंकि s का आपका l क्या होगा, l जीरो होता है। इनका एंगल इनमें एंगुलर नोड होता ही नहीं है, सारे के नोड जीरो होगा उसमें। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो होता है n माइनस l माइनस वन, तो बस डाल दो। तो 1s का रेडियल नोड क्या होगा, जीरो होगा, 2s का वन होगा, 3s का टू होगा, 4s का थ्री होगा, 5s का फोर होगा, एंड सो ऑन। टोटल नोड क्या होता है, टोटल नोड दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नोड जो होता है, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होगा, एन माइनस एल माइनस वन प्लस प्लस एल, यानी दोनों नोड को जोड़ दिए, यानी हो जाएगा ये एन माइनस वन। टोटल नोड के लिए क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस वन। और सिंपली क्या करना है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड को हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको टोटल नोड, मिल जाएगा हमको टोटल नोड, ठीक है। तो यहाँ टोटल नोड मुझे मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर हम पी का बात करेंगे तो जितना भी पी है सारे पी का जो एंगुलर नोड होगा उसको वन बोलेंगे, क्योंकि पी का एल कितना होता है, वन होता है, तो एंगुलर सारे का वन हो जाएगा, ठीक है। रेड नोड कितना हो सकता है, तो आप एन माइनस एल माइनस वन अप्लाई कर देंगे तो आपका टू पी का रेड नोड होगा जीरो, थ्री पी का होगा वन, फोर पी का होगा टू, एंड फाइव पी का होगा थ्री, ठीक है। और दोनों रेडियल प्लस एंगुलर को ऐड कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा टोटल नोड। तो टू पी का टोटल नोड कितना होगा, वन, थ्री पी का टू, फोर पी का थ्री, एंड फाइव पी का फोर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डी का, तो डी कहीं का भी हो, हर डी में डी का एल क्या होता है, दो होता है, तो यानी सबका सब एंगुलर नोड कितना होगा, टू होगा। और सारे का थ्री डी का रेडियल नोड कितना, जीरो होगा, फोर डी का वन, एंड फाइव डी का टू, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे को मिल जाएगा टोटल नोड, टू प्लस जीरो टू, टू प्लस वन थ्री, एंड टू प्लस टू फोर, ठीक है। सिमिलरली एफ सबसेल में जो इसका एल होता है थ्री, इसका एंगुलर नोड होगा थ्री हमेशा, ठीक है। बाकी फोर एफ का जो रेडियल नोड है जीरो है, फाइव एफ का वन है। तो टोटल नोड कैसे निकालेंगे, अगर टोटल नोड आपको निकालना है तो क्या करना, दोनों को आप ऐड कर देना, तो फोर एफ का टोटल नोड होगा थ्री, एंड फाइव एफ का होगा फोर, ठीक है। ये रहेगा बच्चे लोग रेडियल नोड और एंगुलर नोड का कैलकुलेशन, ठीक है। अब ध्यान रहा, कुछ टर्म आपको समझ आना चाहिए। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, या बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, या बोलते हैं अल्टीमेट सेल। आउटर मोस्ट सेल को बोला गया है वैलेंस सेल, या बोला गया अल्टीमेट सेल। आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर जो सेल होता है, इस पॉइंट का बात है, उसको बोला गया है पेनल्टीमेट सेल बोला गया है। और उसके अंदर जो सेल है उसको बोला गया है प्री पेनल्टीमेट सेल बोला गया है, या बोला है गया इसको एंटी पेनल्टीमेट सेल बोला गया है। ये कुछ टर्म्स है आपको जो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ना हम लोग स्पेस में क्या है ना, हम लोग एंगुलर नोड दिखा सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू
सो एंगुलर नोड इन 2D फिगर, तो हम लोग एंगुलर नोड रिप्रेजेंट करने में कंफर्टेबल नहीं 2D डायमेंशन में, हम लोग क्या करते हैं कि आपके रेडियल नोड को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो ध्यान सुनना। तो नोड दिखाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, आपका ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो ध्यान सुनना। आपका जो एस सबसेल होता है ना, एस सबसेल क्या होता है, तो बेसिकली जो ऑर्बिटल होता है ना, ऑर्बिटल ऑर्बिटल नथिंग बट क्या होता है, ऑर्बिटल कोई रियल फिगर नहीं होता है। ऑर्बिटल बेसिकली क्या है, ऑर्बिटल बेसिकली एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट, ऑर्बिटल्स आर इमेजिनरी बाउंड्री which encloses 90% probability of finding electron। तो basically आपका जो orbital basically होता है, orbital एक imaginary boundary होता है जो 90% probability of finding electron को enclose करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि S का जो 90% एरिया दिखेगा वो इतना दिख रहा है, तो हम S ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो S ऑर्बिटल देखोगे 90% इस एरिया में आपका आ जाएगा। जो P का होता है, P का फिगर ऐसा कुछ बन दो, P का जो 90% जो क्लाउड है वो इतने एरिया में आ जाएगा, बाकी एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो S को बोलते हैं स्फेरिकल शेप का होता, P होता है डंबल शेप का होता है। तो बेसिकली एक आइडिया मिल गया आपको कि आप ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, आप ऑर्बिटल किसको बोलोगे, बस समझे ना। अगर हम 1s का इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो मेरे को दिखाना बेसिकली है कि ऑर्बिटल के फिगर में रेडियल नोड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ पे जितना फिगर है तो उसमें जो शेडेड एरिया है ना, ठीक है, जहां पर शेडेड एरिया है वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, और जहां पर शेडेड एरिया नहीं है वहां पर मान ले कि ये जो पोजिशन यहाँ पे है, यहाँ पे शेडेड एरिया नहीं है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जीरो है, ठीक है। जहां पे मैंने डॉट्स को दिखाया नहीं है वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा, नोड होगा, ठीक। ध्यान सुनना, 1s में कोई भी नोड नहीं दिखाया है, कोई भी नोड नहीं है, क्योंकि 1s का जो रेडियल नोड होता है वो होता है जीरो होता है, 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं होता है, ठीक है। 2s में आपका जो रेडियल नोड होता है, ठीक है, 2s में रेडियल नोड होगा होता है, एक होता है, तो उसको यहाँ देखो एक दिखाया गया है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो ऑर्बिटल का फिगर होगा उसके कॉन्सेंट्रिक में ही आपको सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है, पसंद आ गया। अब 3s में आपको दो रेडियल नोड होता है, तो हम क्या कर रहे हैं उसी यहाँ पे देखोगे तो आपको दो रेडियल नोड दिखाया हुआ, तो उसी कॉन्सेंट्रिक मैं सर्कल में ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। इस तरह से आप रेडियल नोड को दिखा सकते हो सिंपली। अगर आपको पी का दिखाना है तो पी का शेप ऐसा होता है, तो टूपी में कोई भी टूपी का रेल नोड जीरो होता है, थ्रीपी में आपका रेल नोड क्या होता है, एक होता है, थ्रीपी में क्या होगा, रेल नोड क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थ्रीपी के शेप में ही देखो, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक जगह खाली छोड़ा हुआ है, ये हो गया, ये बता रहा है आपको रेडियल नोड के बारे में। फोर्थी में देखो दो रेडियल नोड होगा, उसको ऐसे दिखाया गया है, एक यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया है और एक यहाँ पे है पीछे में, ठीक है। तो उसी शेप में उसी के कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, आपको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान, अगर डी का थ्री की बात करते हैं तो थ्री में देखो रेडियल नोड जीरो होगा, तो ऐसे ड्रॉ कर दिया। फोर डी में देखना आपका जो रेडियल नोड होता है एक होता है, एक रेडियल नोड ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दिया होगा, ठीक, ये बात समझना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है कि हर ऑर्बिटल में
रेड नोड का फिगर कैसा होगा दिखाएगा आपको, तो गौर करना। एस का जो रेड नोड होता है उससे तो स्फेरिकल नेचर का होता है। आपके पास याद रखना कि एस ऑर्बिटल के पास, यानी एस ऑर्बिटल में नो एंगुलर नोड होता है, नो एंगुलर नोड होता है। और अगर रेडियल नोड होता भी है तो उसका टाइप क्या होगा, क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, क्या होगा, स्फेरिकल होगा। उसका टाइप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो अच्छे के ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है और कोई भी एंगुलर नोड है तो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, स्फेरिकल होता है। उसका नेचर क्या होगा, स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपका जो हम मेरा फोकस ज्यादा करना चाहता, मैं स्पेस में एंगल नहीं दिखा सकता हूँ, मुझे ज्यादा आसानी होगा दिखाने में रेडियस। तो रेडियल यानी पोजिशन वेक्टर मैं दिखा सकता हूँ, तो मेरा मेरा फोकस होगा रेडियल फंक्शन को स्टडी करने का। तो हम लोग अगले फंक्शन स्टडी करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आपको ध्यान देना, ये आर जो आर था ये था आपका रेडियल फंक्शन था, ये आपका रेडियल फंक्शन था। तो अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको साई आर लिख सकते हो, साई आर लिख सकते हो आप। इस फंक्शन को आप स्क्वायर करोगे ना, बेसिकली इसका जो फंक्शन है स्क्वायर जो बताएगा, वो बताएगा आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, अब इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे छोटे से वॉल्यूम से, डीबी से, आपको पता है कि छोटे से जो वॉल्यूम होगा डीबी, तो छोटे से वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो छोटा सा कॉन्सेंट्रिक यहाँ ये बना हुआ वॉल्यूम, ये अगर आर डिस्टेंस पे होगा और इसका सिर्फ स्फेरिकल हॉलो स्फेयर की तरह अगर है, तो अगर यहाँ डी आर का अगर थिकनेस का अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं स्फेयर को फर्दर, ये छोटा सा एलिमेंट का जो वॉल्यूम डीबी होगा उसको हम लिख सकते हैं 4πr² dv लिख सकते हैं, सॉरी 4πr² dr लिख सकते हैं। यानी मैं किसका किस वॉल्यूम को बात कर रहा हूँ, जो मैं येलो कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ ना, ये छोटा सा एलिमेंट जो है उसका वॉल्यूम जो डीबी होगा उसको आप लिख सकते हो 4πr² dr लिख सकते हो। जैसे डीबी के डीबी को मैं लिख सकता हूँ 4πr² dr लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दिए हम लोग। तो जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली होगा r² dv होगा। तो r² dv होगा तो लिख सकते हैं हम लोग r² 4πr² dr लिख सकते हैं। अब जो r² के साथ 4πr² जो है उसको कंबाइन कर देंगे तो इसको बोला गया है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोला गया है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला गया है। यानी जो ये पूरा पार्ट है ना r² 4πr², यहाँ पर dr अगर हटा देते हैं, dr हटा देते हैं, dr को हम नहीं लेते हैं, तो dr को हटाने के बाद क्या बचेगा, r² 4πr² बचेगा। इसको बोला गया है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी RPDF फंक्शन बोला गया, RPDF फंक्शन बोला गया इसको, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला गया है। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि RPDF क्या होता है, RPDF होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें 4πr² से, तो वो मेरे को मिल जाएगा रेडियस पे कैसे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है। ये हो गया रेडियस पे कैसे आपको प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा, यानी इसको बोला गया है RPDF फंक्शन, RPDF फंक्शन बोला गया है। ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, और आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr² से, तो मिल जाएगा मेरे को RPDF, यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल जाएगा। अब ध्यान ना, हमको कुछ ग्राफ अपने इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं रेडियल फंक्शन का। रेडियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है, तो एस का ग्राफ हमेशा क्या होता है ना, ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वन एस ग्राफ हमेशा ये हमेशा टॉप से स्टार्ट होगी, नीचे से मूव करेगा, और यहाँ पे जो ये जो एक्सिस है जो कट करेगा डिपेंडिंग अपन किस में कितना नोड है। तो वन एस में नोड क्या, जीरो होता है। तो नोड अगर जीरो है तो यहाँ पे ये आपके एक्सिस से कट नहीं करेगा, यानी ऊपर से स्टार्ट होगा और ऐसे चला जाएगा, कट नहीं करेगा। अगर हम 2s का बात करते हैं, 2s का, तो 2s का ऊपर से स्टार्ट होगा, यानी s का हमेशा ऊपर से होगा,
इसका स्टार्ट ऊपर से हो रहा है, तो ये देखोगे आपको याद रखना है कि स्टार्ट ऊपर से करना है, और जब आर जब जाएगा इन्फिनिटी पे तो फंक्शन जो है फंक्शन भी अप्रोच करेगा जीरो को, यानी जब आर जा रहा इन्फिनिटी पे तो फंक्शन अप्रोच करेगा जीरो को, और कितने बार ये कट करेगा तो जितने बार नोड होगा उतना कट करेगा, तो नोड एक जीरो तो कट नहीं कर रहा है, टू एस में क्या हो, टू एस में स्टार्ट ऊपर से हो रहा है, टू एस में नोड कितना होता है, नोड एक होता है, कौन सा नोड, रेडियल नोड एक होता है, तो इसलिए तो ना एक और एक कट किया है एक्सेस को। और अगला कंडीशन क्या है कि जैसे हम आर को जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ है तो फंक्शन अप्रोच करेगा जीरो को, देखना इन्फिनिटी पे फंक्शन जीरो को अप्रोच करे, यानी फंक्शन जो है नीचे से ऊपर होकर ऐसा आएगा ताकि जीरो को अप्रोच कर पाए, ठीक है, ताकि जीरो को अप्रोच कर पाए, इसलिए ग्राफ इसका ऐसा खींच रहा है। सिमिलरली अगर हम टूपी का बात करते हैं तो टूपी का जो आर फंक्शन है वो स्टार्ट होगा, यानी एस को छोड़ दो, एस को छोड़ के बाकी जो भी होगा ना उसका फंक्शन स्टार्ट होगा ओरिजिन से, टूपी का स्टार्ट होगा ओरिजिन से। आपको पता है कि जैसे टूपी में रेडियल नोड कितना होता है, जीरो होता है, यानी अब एक बार भी और एक्सेस को कट नहीं करने वाला है, लेकिन आपको पता है कि जब आर भेजेंगे इनफाइनाइट तो जो वैल्यू होगा भी जाएगा, यानी आपका जो फंक्शन का वैल्यू अप्रोच करेगा जीरो को, इसलिए क्योंकि स्क्रीन फीड भी जीरो को अप्रोच करना, इससे क्या होगा ये वैल्यू ऊपर जाकर फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, यानी आर जब दूर जाएगा इन्फिनिटी पे जाएगा तो वैल्यू क्या होगा अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। तो एस को छोड़ के बाकी जितना फंक्शन है सबको स्टार्ट करना है आपको ओरिजिन से, टूपी को स्टार्ट कहां से कहते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। सिमिलरली ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आर का फंक्शन, अगर हम आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर कर देंगे तो निगेटिव पोर्शन ऊपर हो जाएगा, तो वन एस में कोई निगेटिव पोर्शन नहीं था, 1s का कोई नेगेटिव पार्ट नहीं था तो कोई फिगर में चेंज नहीं किया है, लेकिन जो 2s में था तो 2s में कुछ नेगेटिव पार्ट था आपके पास, तो जो नेगेटिव पोर्शन है 2s का, ये नेगेटिव पोर्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर दिया गया है, तो स्टार्ट होगा ऊपर से और यहाँ पे पॉजिटिव ऐसा हो जाएगा, टूपी में ऐसा कोई नेगेटिव पार्ट था नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जैसा तो ऐसे फिगर रहेगा, हो गया इसका आर स्क्वायर का फंक्शन। अब क्या करें हम लोग निकालते हैं आरपीडीएफ, आरपीडीएफ का ग्राफ कैसा होगा, यानी आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4π स्क्वायर से, उस केस में क्या होता है, कैसे करने पर होता क्या है कि आपका जो फंक्शन का अब जो है वो हमेशा स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो वो आरपीडीएफ देखो, आर फंक्शन जो था एस का ऊपर से स्टार्ट होता था और बाकी सबका एस के अलावा पीडी का सबका होता स्टार्ट होता था ओरिजिन से, बट जो आरपीडीएफ फंक्शन है, आरपीडीएफ फंक्शन सारे का स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो 1s के लिए जो ग्राफ बनेगा उसका ऐसा बनेगा, तो 1s में स्टार्ट होगा ओरिजिन से, क्योंकि इसमें रेडियल नोड जीरो है तो इसमें और कोई कट नहीं करेगा, ऐसा बन जाएगा ये। 2s में क्या होगा, 2s में एक स्टार्ट होगा ओरिजिन से, क्योंकि इसमें एक रेडियल नोड है तो इसमें एक पर एक कट करेगा नीचे और एक फिर ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ये और कट नहीं करेगा, ये एक फंक्शन जीरो को अप्रोच करेगा जब आपका रेडियस मूव करेगा टुवर्ड्स इनफाइनाइट मूव करेगा, तो उसमें आप फंक्शन अप्रोच करेगा टुवर्ड्स जीरो को। अब गौर करने का बात है, ये जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है, यानी आर नोट। जैसे 1s का रेडियस किसको बोलते हैं, तो 1s का रेडियस का मतलब क्या होता है, जिस पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का डेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको रेडियस बोलते हैं, तो इस डिस्टेंस पे क्लाउड डेंसिटी मैक्सिमम है तो उस पॉइंट के डिस्टेंस को बोला गया रेडियस बोला गया। 2s का बात करें, 2s का हम बात करते हैं, 2s मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ अवेलेबल है जी, इस पॉइंट पे इसका मतलब है कि इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2s का रेडियस, इस पॉइंट को बोलेंगे 2s का रेडियस, ठीक है। सिमिलरली ना बात है टूपी कार्पेटिव फंक्शन, टूपी कार्पेटिव फंक्शन यहाँ से चलेगा, तो इस पॉइंट पे टूपी का क्या है, डेंसिटी मैक्सिमम है वैल्यू आरपीडीएफ फंक्शन का, तो इसको बोला गया टूपी का रेडियस, इस पॉइंट को बोला गया है टूपी का रेडियस, ठीक। और बात करते हम 3s का, तो 3s का ध्यान देना, 3s का जो आर वैल्यू आर फंक्शन है वो ऊपर से स्टार्ट होगा, दो बार कट करेगा आपके एक्सेस को, क्योंकि यहाँ पे नोट दो होगा, आपका रेडियल नोड क्या होगा दो होगा, इसे ये दो बार कट करने वाला है, और
एक बार कटा, दूसरा बार कटा, और अब क्या होगा, जब आर जाएगा इनफाइनाइट पे तो फंक्शन अप्रोच करना जीरो, जब आर मूव करेगा इनफाइनाइट तो फंक्शन अप्रोच करना जीरो, इससे क्या होगा, इसको वापस नीचे कैसे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये था आर था थ्री एस का। थ्री पी का आर फंक्शन कैसा होगा, तो उसमें नोड एक होता है जी, कौन सा नोड, रेडियल नोड एक होता है। तो यहाँ पे देखो थ्री पी को स्टार्ट करता हूँ ओरिजिन से, एस के अलावा जो भी फंक्शन होगा आर का स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक बार कट करके नीचे आएगा, और ये जब आर जाएगा इनफाइनाइट तो आपका फंक्शन अप्रोच करेगा जीरो, तो इसको फिर से इसको नीचे से ऊपर एक वापस इधर मूव करेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं थ्री डी का, थ्री डी का आर फंक्शन स्टार्ट होगा ओरिजिन से, इसमें नोड जीरो है, इसका रेडियल नोड क्या है, जीरो है, तो इसमें आपको एक बार भी कट नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब सबका आर स्क्वायर फंक्शन लेंगे तो आर स्क्वायर नेगेटिव पार्ट है थ्री एस का, उसको ऊपर कर दिए, टू पी का एक, थ्री पी का एक नेगेटिव पार्ट था, ऊपर कर दिया गया है, और थ्री डी में कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं था, तो यहाँ कुछ नहीं किया गया है, बस ऐसे ही बन गया। अब इनका हम आरपीडीए फंक्शन लिखेंगे तो ध्यान देना, तो थ्री पी में दो बार नोड है, तो दो बार एक आरपीडीए फंक्शन स्टार्ट होता है ओरिजिन से, तो ये दो बार ऐसे कट किया और थर्ड वाला पॉइंट ऐसे चला गया। थ्री पी का एक एक नोड था तो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे ऐसे कट करेगा और फिर ऊपर जाके ऐसे चला जाएगा। ठीक, सिमिलरली ये हो गया आपका थ्री डी का लाइन, थ्री डी में एक भी नोड नहीं है, कट नहीं करेगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना, इसमें देखो ये थ्री एस का रेडियस हो गया, यानी यहाँ पे थ्री एस का मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगा, ये थ्री एस का रेडियस हो गया, ये थ्री पी का रेडियस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका थ्री डी का रेडियस हो गया, यानी ये रेडियस वैल्यू है। तो पॉइंट है कि रेडियस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो एन पे डिपेंड करता है, जिसका एन ज्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, और अगर एन सिमिलर होगा ना, अगर एन सिमिलर होगा तो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, एल के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी रेडियस वैल्यू होता है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शन, एल के इनवर्सली प्रोपोर्शन चलेगा, यानी जो आर होगा वो थ्री एस का बड़ा होगा, फिर थ्री पी, और सबसे छोटा होगा थ्री डी का, जिसका एल बड़ा होगा रेडियस छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा, एन कॉन्स्टेंट होगा तो हम सोच सकते हैं। ठीक है,